हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 11 बड़ी खबरें, 11 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज की जो अपडेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चल पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर 2020 की अपडेट्स रहने वाली हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, जो यहाँ पे थंबनेल के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि 21 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज, तो ये भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। और फर्स्ट और सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई फैसला हुआ, कैबिनेट मीटिंग है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे जो हैं कमेंट जो हैं आ रहे थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले अपडेट देख लेते हैं। तो कोरोना से दोस्तों प्रदेश भर में 6 और लोगों की मौत, 361 नए मामले। दोस्तों 361 नहीं आए हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं, 419 जो हैं नए मामले जो हैं आए हैं। तो मैं आपको बता भी दूंगा अभी, यहाँ पे पता नहीं किस हिसाब से लिखते हैं न्यूज़पेपर में, बट 419 जो हैं ऑफिशियल अपडेट हैं उसमें हैं, ठीक है। तो शिमला, सुजानपुर, नाहन, ऊना, मंडी और चंबा के मरीजों ने तोड़ा दम, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 276 जो है 9 बजे वाली जो अपडेट है उसमें आए हैं 276 केसेस, ठीक है। और 87 केसेज जो हैं वो आए हैं आपके, जो 5 बजे वाली आती है रिपोर्ट उसमें आए हैं। और 56 केसेज जो हैं वो आए हैं दोपहर वाली मिड डे बुलेटिन में। टोटल कुल मिलाकर इनको करें तो 419 नए केसेज हैं दोस्तों हिमाचल में आए हैं कल। तो चलिए अभी देख लेते हैं ऑफिशियल अपडेट, आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का नाम भारत अपडेट्स ही है, ठीक है। चलिए, प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण से 6 और मरीजों की मौत हो गई। तो अभी हम ये नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे कहाँ पे कितने आए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, और देखते हैं मंगलवार को सोलन में 72, सिरमौर में 66, मंडी में 60, कांगड़ा में 49, शिमला में 42, ऊना में 35, बिलासपुर में 14, कुल्लू में 11, हमीरपुर में 7 और चंबा में 5 मामले जो हैं सामने आए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर इतने मामले आए हैं, और ऑफिशियल अपडेट आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 से पार। तो और एक्टिव जो केसेस हैं वो हैं 3600 के पार जो है एक्टिव केसेस हो चुके हैं, और टोटल कंफर्म्ड केसेस हैं 10,000 से पार हो चुके हैं। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो सभी के लिए खोले हिमाचल के द्वार, आज से बिना पंजीकरण प्रवेश। दोस्तों अब जो है अगर कोई बाहर से आता है तो अभी आ सकते हैं, बिना पास के कोई भी पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। कैबिनेट ने जो है 181 दिन बाद हटाई रोक, फिलहाल नहीं चलेंगी अंतर्राज्यीय बसें। तो बसें जो हैं इंटर स्टेट बसेस के लिए कमेंट आ रहे थे कि कब चलेंगी, तो दोस्तों वो अभी तक नहीं चलेंगी, ठीक है। इंटर स्टेट्स बसें जो हैं नहीं चलेंगी, जैसे यहाँ से दिल्ली जाती थी, चंडीगढ़ जाती थी, वो बसें अभी तक नहीं चलेंगी। और हिमाचल में बसें वैसे चल रही हैं, थोड़ी बहुत बसें जितनी भी हैं वो चल रही हैं, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत चल ही रही हैं, और अभी तक अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगी। और आगे देखें तो अगर प्रदेश में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को अब COVID-19 ई पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण नहीं करवाना होगा। पर्यटकों को ना कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, ना होटलों में एडवांस बुकिंग करानी होगी। बाहर से आने वाले क्वारंटीन भी नहीं होंगे। मंगलवार को जयराम कैबिनेट की मीटिंग में यह बहुप्रतीक्षित फैसला लिया गया। तो अभी जो है कहा गया है बैठक में कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो बाहर से आएंगे घूमने वगैरह, तो कोरोना के लक्षण उनमें अगर दिखे तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया जाएगा। उनका टेस्ट जो है लेने पर जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। वहीं सरकार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बसों के संचालन पर फैसला नहीं लिया है, हालांकि सूत्रों के का कहना है कि जो 1 अक्टूबर के बाद जो है बसों का संचालन शुरू हो सकता है, यानी कि 1 अक्टूबर के बाद जो है बसें चल सकती हैं, ठीक है। और इस पर सितंबर के अंतिम या अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लेने की संभावना है। और अगर संचालन शुरू हुआ तो प्राथमिकता चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए बसें चलाने की होगी। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और आगे मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो 100 बेड वाले अस्पतालों में नर्सिंग कोर्स के लिए मंजूरी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और अभी बाहर से आने वालों के लिए ज़रूरी नहीं है ई पास
बिना पंजीकरण के भी आ सकते हैं। बियर बार खोलने के लिए भी मंजूरी यहाँ पे दी गई है, और परवाणु और लम्बलू में सब तहसील खोलने की को भी मंजूरी दी गई है। दोस्तों स्कूल कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यार 21 से स्कूल खुल जाएंगे। दोस्तों स्कूलों के बारे में कोई या कॉलेजों के बारे में इस कैबिनेट बैठक में कोई भी चर्चा नहीं हुई है, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा क्या इन्होंने यहाँ पे कुछ कहा है या नहीं कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर यही है कि मतलब अभी कोविड ई पास की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अभी आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ सकते हो, क्योंकि पहले बहुत सारी यहाँ पे पहले रिपोर्ट लानी पड़ रही थी, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी था, ई पास भी ज़रूरी था अगर आप हिमाचल में आना चाहते हो, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 450 केसेस डेली आ रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे जो है ई पास वगैरह ये सब कुछ खोल दिया है, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप अगर आना चाहो हिमाचल में कोई घूमने वगैरह, तो अभी ऐसे ही आ सकते हो। खुद को आपको जो है सेफ रखना है, सैनिटाइज यूज़ करना है, सैनिटाइज़र मास्क पहनना है, ठीक है, और इसी तरह से अपना ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो 5 दिन बाद घटे संक्रमित, 24 घंटे में 83,809 मरीज, 1,054 की मौत। तो ये दोस्तों पहले मैंने आपको हिमाचल की अपडेट बताई, ये थी पूरे इंडिया की, तो अभी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो देश में कुल मरीजों का आंकड़ा अब 50 लाख के करीब पहुंच चुका है। हालांकि नए मरीजों की संख्या में 6 दिन बाद जो है गिरावट आई है। पिछले 5 दिन में रोजाना 90,000 से अधिक मरीज मिल रहे थे। कुल 49,30,236 मरीजों में जो है 80,776 जान गंवा चुके हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि बीते 24 घंटे में 10,72,845 सैंपल की जांच हुई, 83,809 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है, और 5 राज्यों में 70% से ज़्यादा मौतें। तो चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखते हैं। दोनों अपडेट्स आपको मैंने बता दी हैं, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। अभी तो 21 सितंबर से स्कूल खोलने पर मंत्रिमंडल में नहीं हुई चर्चा। दोस्तों हिमाचल में जो है 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर मंगलवार शाम को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा नहीं हुई। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही इस सप्ताह शिक्षा विभाग स्कूल खोलने को लेकर SOP जारी करेगा। इसके तहत अभिभावकों की सहमति पत्र पर 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी गाइडेंस लेने के लिए स्वैच्छिक तौर पर स्कूल में आ सकेंगे। 50-50% शिक्षकों को भी 21 सितंबर से 1 दिन छोड़कर स्कूल में आना पड़ेगा। संभावित है कि विधानसभा सत्र समाप्त होते ही शिक्षा विभाग इसको लेकर SOP जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार से जारी हुई अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों को 21 सितंबर से स्कूलों में बुलाने को हरी झंडी मिल गई है। बट अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहा है इन्होंने, ठीक है। वही है कि मतलब बैठक में तो कोई इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, बट अभी देखते हैं कि शिक्षा विभाग क्या इसको लेकर SOP जारी करता है, और फिर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तो यही बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे कि बोला है कि 21 सितंबर से स्कूल खोल सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा अभी, ठीक है। केंद्र सरकार से ये गाइडलाइंस प्राप्त हुई थी कि 9वीं से जमा 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों को 21 सितंबर तक बुला सकते हैं। तो अभी केंद्र ने जो है अभिभावकों के सहमति पत्र पर जो है बच्चों को स्कूलों में भेजने को मंजूरी दी है। इसको लेकर केंद्र की ओर से बीते दिनों SOP भी जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी SOP तैयार कर लिए हैं। केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइन में 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि केंद्र ने राज्य सरकारों को अपने स्तर पर फैसला लेने के लिए कुछ छूट भी दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे तो बंद किए हैं 30 सितंबर तक, बट यही बोला है कि 21 सितंबर से खोल सकते हैं। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको स्टेट्स को खुद पता होगा उनके स्टेट की क्या कंडीशन है, उनके राज्य की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से वो देख सकते हैं, ठीक है।
तो प्रदेश शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले स्कूलों में 9वीं से जमा 2 कक्षा को शुरू करने के लिए SOP जारी कर दी है। हिमाचल ने भी अपनी SOP तैयार कर ली है। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी स्कूल पर बुलाने को कहा है। SOP में शिक्षकों और विद्यार्थियों के आने जाने को लेकर सभी नियम तय किए गए हैं। तो ये दोस्तों एक अपडेट थी, ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, तो DLED परीक्षाएं नवंबर में ही करवाने का प्रस्ताव। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षाएं नवंबर में करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों की मांग पर समग्र शिक्षा अभियान ने सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया है। बीते दिनों ही इन परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा करते हुए मार्च अप्रैल 2021 में करवाने की बात कही गई थी। अब अभ्यर्थियों की मांग पर दोबारा से जो है प्रस्ताव भेजा गया है। तो पहले उन्होंने कहा था कि मार्च अप्रैल में परीक्षा करवाएंगे, बट अभ्यर्थियों की मांग पर जो है दोबारा से प्रस्ताव जो है भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। प्रदेश में GNM कोर्स बंद, अब BSc नर्सिंग ही हो गई। आधारभूत ढांचा नहीं हुआ तो रद्द हो जाएगी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता। तो अब दोस्तों GNM कोर्स नहीं होगा, ठीक है, अब BSc नर्सिंग ही होगी। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार हिमाचल के नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ कड़े कदम उठाने जा रही है। अगर कॉलेज प्रबंधन के पास आधारभूत ढांचा नहीं हुआ तो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आधारभूत ढांचे में प्रयोगशाला, टीचिंग फैकल्टी, ग्राउंड सीटिंग कैपेसिटी होना अनिवार्य है। तो कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने का फैसला, 3 महीने के भीतर होगा इंस्पेक्शन। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र 8 हफ्ते के वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी किया कैलेंडर, पाठ्यक्रम के आधार पर रोचक प्रतिस्पर्धी गतिविधियां शामिल। तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अगले 8 हफ्ते के वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ाई करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं के लिए कैलेंडर जो है जारी किया। इसमें प्रत्येक हफ्ते के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित रोचक और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसका मकसद जो है सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। HPU की तरफ से माइग्रेशन करवाने को लेकर अब नहीं लगेंगे विश्वविद्यालय के चक्कर। दोस्तों अगर आप माइग्रेशन करवाना चाहते हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, तो अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। छात्र अब ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। RME पोर्टल पर जो है जाकर माइग्रेशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। और इंटर कॉलेज माइग्रेशन का आवेदन विद्यार्थी का तभी स्वीकृत होगा जब संबंधित विद्यार्थी दोनों कॉलेजों के क्लर्क और प्रधानाचार्य की ID के माध्यम से जो है सहमति प्राप्त होगी। ₹500 इसके लिए फीस चुकानी होगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। चलिए, प्रश्न पत्र डाउनलोड करने को और उत्तर पुस्तिका के लिए मिलेंगे प्रति छात्र ₹30। पंजाब विश्वविद्यालय की ये न्यूज़ है। फाइनल ईयर की परीक्षाएं 17 सितंबर से होने जा रही हैं। परीक्षार्थियों को जो है प्रश्न पत्र डाउनलोड करने, उत्तर पुस्तिका खरीदने के लिए PU पैसे देगी। तो ₹15 प्रति छात्र दिए जाएंगे और साथ ही उत्तर पुस्तिका खरीदने के लिए ₹15 प्रति छात्र के हिसाब से मिलेंगे। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर एक दिन की परीक्षा के लिए प्रति छात्र ₹30 मिलेंगे। यदि परीक्षाएं 5 दिन की होती हैं तो ₹150 मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो एक ही केंद्र में परीक्षा देने बुला लिए 763 विद्यार्थी। प्रदेश भर में मंगलवार से शुरू हुई SOS की 10वीं जमा 2 की परीक्षा, नगरोटा वंगवा परीक्षा केंद्र में लगी विद्यार्थियों अभिभावकों की भीड़। तो ये सही नहीं है, क्योंकि कोविड-19 चला हुआ है, कोरोना वायरस चला हुआ है। ऐसे में बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, बट यहाँ पे भीड़ लग रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा काम। तो यहाँ पर एक ही केंद्र में इतने विद्यार्थियों की मौजूदगी से उठे हैं सवाल। तो 763 विद्यार्थी एक ही सेंटर में बुला लिए गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो BTech के विद्यार्थी घर से नज़दीक केंद्र में दे सकेंगे परीक्षा। तो विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UIT के परीक्षार्थियों को कोरोना काल में परीक्षाओं में बड़ी राहत दी है। संस्थान के करीब 850 छात्रों को अपने घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है। तो 21 सितंबर से शुरू होने वाले दूसरे छोटे चौथे छठे आठवें सेमेस्टर की नियमित री अपीयर परीक्षाओं के लिए प्रदेश 5 जगह परीक्षा केंद्र स्थापित कर रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। 20 तक अपडेट करना होगा जमा 2 का परिणाम। तो UIT विश्वविद्यालय के UIT के 5 BTech कोर्स में नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 20 सितंबर तक जमा 2 का परिणाम, ऑनलाइन अपडेट और अंक तालिका को अपलोड कर सकेंगे।
ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो प्रदेश के 39 केंद्रों पर हजारों विद्यार्थियों ने दी पीजी की परीक्षा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पीजी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो 95% उपस्थिति यहाँ पे कहा गया है डॉक्टर जी एस नेगी नियंत्रक जो है एचपीयू के स्नातक कोर्स स्नातकोत्तर कोर्स की। मंगलवार को शुरू हुई परीक्षा में परीक्षार्थियों की इससे अधिक उपस्थिति रही, 98% उपकेंद्रों में, जबकि प्रदेश भर में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 90 से 95% रही। कुलपति ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। तो यहाँ पे कुलपति जो है प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी, उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर निरीक्षण किया गया केंद्रों का। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो पहले दिन सैकड़ों छात्रों ने पीजी की परीक्षा स्क्रीनिंग के बाद ही मिला प्रवेश। तो कल से पीजी की परीक्षाएं जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। एचपीयू में 6 माह बाद नजर आई रौनक, परीक्षा से 1 घंटा पहले पहुंच गए थे छात्र। तो दोस्तों अभी मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों के बारे में यहाँ पे बात करूँ थोड़ी सी। तो दोस्तों अभी भी मैंने सोचा था, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कन्फ्यूज़ हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर कोई ना कोई मीटिंग हुई उसमें तो फैसला ले ही लिया जाएगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बट दोस्तों जैसे कि आपको पता है कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें भी कोई फैसला जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिया गया है अभी तक। तो अभी भी क्या है, अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, ठीक है। बट एग्जाम का थोड़ा अभी डाउट पड़ रहा है, मुश्किल लग रहा है एग्जाम का मेरे हिसाब से। और अभी ऑफिशियल अपडेट आएगी तभी कंफर्म हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई उसमें भी कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।